तुम्हें रैप नहीं पसंद बड़ी बात नहीं, इट्स ओके मेरी कैप नहीं पसंद बड़ी बात नहीं, इट्स ओके तुम्हें रैप नहीं पसंद मुझे तुम नहीं पसंद, तुम्हें रैप है पसंद मुझे तुम हो पसंद, सीधी बात सोचो फिर से एक बार। कन्हैया बैक फ्रॉम द अंडरग्राउंड, शब्दा जी गर्मी हां, वेलकम इन माय बॉय टू द मैग्नेट आर्मी। पंजाबी गायकी सारी मैं सुन चुका बाली, कुछ भी नहीं असली गड्डी नड्डी वाली, मेनू समझ नहीं आती अजकल दी हिपहॉप दी, चल दिन छुरी गल कर देने तो। What's up guys, hi my name is Sahil and we are back again into this game and you guys are watching Professional Magnet. So first of all, आज पार्टी का दिन है, हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड यार आई डोंट नो व्हाट टू से, लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि जब 20K होगा मैं वीडियो बनाऊंगा, ये बोलूंगा वो बोलूंगा, बट लिटरली मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को। सो एक ही चीज़ बोलूंगा, सबसे पहला और दिल से सबसे बड़ा थैंक्स उस गॉड का, और दूसरा सबसे बड़ा थैंक्स आप लोगों का, लाइक लिटरली मुझे यहाँ तक लेके आने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हाँ मैंने मेहनत करी है अपनी, लेकिन आप लोगों की जो सपोर्ट रही है लाइक दैट, वही वो चीज़ थी जिसने मुझे पुश करा और मैं मेहनत करता गया एंड वी आर ऑन 20K। और मैं मुझे स्टिल याद है जब मेरे 2000 हुए थे और उस टाइम पे मैं सोच रहा था यार कब पाँच होंगे, लाइक मुझे 2 से 5 का डिस्टेंस इतना ज़्यादा लग रहा था ना, और अब मैं बैठ के सोचता हूँ 2 से 20,000 हो चुके हैं एंड आई स्टिल फील कि यार नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे आगे जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ईच एंड एवरीबडी जो भी मेरे रिएक्शंस को देखते हैं, जो भी लोग मुझे प्यार करते हैं, जो कमेंट करते हैं, जो कमेंट नहीं भी करते सिर्फ देख के चले जाते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी सपोर्ट है। एंड थैंक्स टू ईच एंड एवरी आर्टिस्ट फैन बेस जो भी मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड है, एंड लाइक इन शॉर्ट थैंक्स टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ मैग्नेट आर्मी। तो थैंक यू गाइज सो मच। और मैंने प्रॉमिस किया था एमीवे बंटाए के फैंस को कि जब मेरे 20,000 हो जाएंगे मैं ढूंढ के दिखा ईपी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। सो मैं अपने प्रॉमिसेस रखता हूँ ब्रो, और ये लो पहला ट्रैक, दैट इज इंट्रो। इंट्रो पे रिएक्शन करने वाले हैं हम, और मैंने देखा था कि ये इंट्रो इज लाइक नॉट दैट इंट्रो, ये प्रॉपर एक गाना ही है। तो एमीवे बिलाल, और टाइटल है बिलाल एंड बिलाल इज एमीवे रियल नेम राइट। ढूंढ के दिखा ईपी प्रॉड बाय रॉबर्ट TAR, ओके सो प्रोड्यूस बाय रॉबर्ट आर, आई डोंट नो हु इज रॉबर्ट आर, एंड लेट मी गेट इन अ बिग स्क्रीन। तो ऑल द एमीवे बंटाए फैंस, यू ऑलरेडी नो इट, अब तुम इसको स्पैम कर देना, मैं बता रहा हूँ इसको स्पैम कर देना, और लेट्स सी इसके जो इस ईपी के रिएक्शंस के रिजल्ट होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आगे चीज डिसाइड करेंगे। सो ऑल द बंटाए फैंस सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल द मैग्नेट्स, लेट्स टर्न ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कैच सम बार्ड्स। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिल्कुल ऑनेस्टली रिएक्शन दूंगा, जो चीज़ मुझे पसंद आएगी आई एम गोना लेट यू नो, और जो चीज़ नहीं आएगी आई एम अगेन गोना लेट यू नो। तो लेट्स गेट टू द सॉन्ग, 1 2 3 लेट्स गो बेबी। ओके लोग चिढ़ते हैं मुझसे, मैं गाने गाता हूँ और असली नाम रखा बिलाल, पर मुझे पता है कि खुदा को देखने के रास्ते पे नहीं हूँ फिलहाल। इस दुनिया से लड़ रहा हूँ, लड़ने दे जो पाना चाहता हूँ, हासिल तो करने दे फिर जो करूँगा खुदा खुद बोलेगा, वाह क्या किया कमाल। मोटिवेशन लेट्स गो यार, उसने ईपी स्टार्ट ही करी है मोटिवेशन के साथ एंड ही सेड कि मैं बस वो करना चाहता हूँ जो मेरी प्लानिंग है, जो मैंने सोचा हुआ है, और एक बार जब वो हो गया तो खुदा भी मुझसे, अभी मैं खुदा को पाने की कोशिश में नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने वो कर लिया, जब मैंने वो पा लिया तो खुदा भी खुद बोलेंगे कि तू कर रहा है क्या कमाल। और एमीवी का कुछ दिन पहले थैंक्स टू गॉड गाना आया भी था ना, सो या कनेक्ट होती है लाइन जाना, आई लाइक इट यार, ये बड़ी मोटिवेशनल लाइन है, आई लाइक इट। फिर जो करूंगा खुदा खुद बोलेगा, वाह क्या किया कमाल। तो बा बड़ी बात नहीं, बड़ी बड़ी मेरी सोच है, तेरे जैसे सलाह देने वाले मिलते रोज है, हर रोज ये सोच लेके करता हूँ काम, आज नहीं तो कल पहचानोगे मेरा नाम, पर मैं नाम बड़ा करने नहीं काम बढ़ाने आया हूँ, इसको क्या करना है जी के सिखाया।
ब्रो काम बढ़ाओगे नाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, दैट्स फैक्ट्स यार। चलोगे मेरा नाम पर मैं नाम बड़ा करने नहीं काम बढ़ाने आया हूँ, किसको क्या करना है जी के सिखाया, झुकाया सर नीचे धन मंजिल के ओर, मेहनत मेरा हाँ मचा देगा शोर, आज मैं जोर लगूंगा क्योंकि बातें कठोर, जो ना समझे बातों को उनको मैं करता इग्नोर, तेरी ओर चले आएगी मैं बुआ बड़े प्यार से, पर कामे भी पाएगा जब मुलाकात करे हाथ से, तेरे और चले आएगी मैं भूबा बहुत प्यार से, लेकिन कामयाबी तब पाएगा जब मुलाकात करेगा हार से, जब तू डिफीट देखेगा, जब तू लूज देखेगा तब तुझे रियल सक्सेस मिलेगी, तब तू कामयाब। यार क्या लिरिक्स हैं यार, आई लव इट। और ही सेड कि हाँ तब तेरे पास महबूबा भी आएगी चल के प्यार से, जो छोड़ के चली गया वो भी आएगी प्यार से, लेकिन 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 तू तभी कामयाब होगा जब तू देखेगा हार को। यार मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलनी है, गाना शॉर्ट है तो मैं बोल ही देता हूँ। यार गाइज तुम एक गाना डालते हो, दो गाने डालते हो, तीन गाने डालते हो, चार गाने डालते हो, पांच गाने डालते हो, डू नॉट एक्सपेक्ट कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी, लिटरली डू नॉट एक्सपेक्ट। मेरे पास लोग आते हैं डीएम्स में, वो बोलते हैं कि भाई मेरा पहला गाना आ रहा है, इसकी स्टोरी लगा दो, मेरा पहला गाना है, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, मैंने यहाँ से रिकॉर्ड किया, मैंने हेडफोन से। ब्रो एक बात बताऊँ, तुम्हें शायद बुरी लग जाए बट रियलिटी दिखाना भी मेरा फर्ज है ना, एज अ ब्रदर तुम्हें रियलिटी दिखाना मेरा फर्ज है। ब्रो नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट योर स्टोरी, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट योर स्टोरी, चाहे तुमने हेडफोन से रिकॉर्ड किया हो, चाहे तुमने म्यूजिक से लाइक चाहे तुमने प्रोफेशनल माइक से रिकॉर्ड किया हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता ब्रो, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं स्टोरी लगा दूंगा, इससे होगा पता क्या, स्टोरी लगा दूंगा उस पर्टिकुलर गाने को क्लिक करके लोग तुम्हारे चैनल पर जाएंगे, और तुम्हारे चैनल पर जाके बंदा मैं भेज तो तुम्हारे चैनल पे सकता हूँ लोगों को, लेकिन सब्सक्राइब करवाना अगेन इज इन योर हैंड्स। अगर तुम्हारे चैनल का कंटेंट अच्छा होगा, अब मैं हूँ, मैं किसी की वीडियो देखता हूँ और वो बंदा बोलता है यार इसको चेक करो, तो मैं जाता हूँ चेक करता हूँ, और चेक करने के बाद मैं देखता हूँ चैनल पे कोई कंटेंट ही नहीं है, कोई चीज़ें ही नहीं है, तो हाउ आई एम गोना सब्सक्राइब यू ब्रो, मैं नहीं कर सकता, मेरा दिल ही नहीं करेगा सब्सक्राइब करने के लिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि पहले कॉन्टेंट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कॉन्टेंट डालोगे तभी कामयाबी, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी ब्रो, नाम बन जाएगा, फेम बन जाएगा, फैंस आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें कंटेंट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ एमी वेने थ्रू आउट द वर्ड्स जितना मैंने सुना है ये बोलने की कोशिश करी, अगर तुम ध्यान से इसको डिकोड करोगे, कंटेंट डालो, काम पे ध्यान दो, नाम नहीं बढ़ाना है, काम बढ़ाना है, तो काम बढ़ेगा, नाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मेरा नाम ऐसे नहीं बढ़ा ब्रो, मैंने एक दिन में तीन वीडियोज़ रोज़ की रेगुलर डाली हैं, काम बढ़ाया तब जाके नाम बना है। तो दिस इज़ द थिंग, जितना भी बना पर बना उसी की वजह से ही है, तो मेहनत करो, कंटेंट डालो, एक महीने में तीन तीन चार चार गाने डालो, तुम्हारा नाम बनेगा यार, क्यों नहीं बनेगा, जब लोगों की नोटिफिकेशन में हर हफ्ते तुम्हारा नाम आया करेगा ना, वो एक ना एक बार क्लिक करके ज़रूर देखेंगे। बस दैट्स ऑल आई वांटेड टू से, बहुत ज़्यादा बोल लिया, एंड ये मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब पे। सो लेट्स गेट टू द सॉन्ग। बलबूते चल रहा हूँ, लेटा नहीं, ओके ओके बल्कि खुद के, हाँ हाँ ओके हाँ ओ रस्ते पे कंकर पत्थर तकलीफें मुश्किलें कांच नहीं है, रस्ते पे मैं हूँ। कम ऑन यार, इससे बड़ी मोटिवेशन क्या है यार, ओ माय गॉड। मतलब कहने का वो ये कह रहा है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता रास्ते पे क्या है, पत्थर कंकर कांच व्हाट द हेल, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कि रास्ते पे मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ रास्ते पे, पत्थर मारेंगे मारने दो, कांच डालेंगे डालने दो। यार क्या लाइन है ब्रो, मुझे इतना मोटिवेट, आज तो मेरे वैसे ही 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, मैं ऑलरेडी मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, ऊपर से ये गाना कर लिया ब्रो, मेरा दिन बन गया यार। मैं हूँ वो हूँ जो हूँ मैं, स्लो हूँ स्लो हूँ स्लो हूँ मैं, मेरा कष्ट लेके देख, एक नहीं दो हूँ मैं, ओके मेरा कष्ट लेके देख, एक नहीं दो हूँ मैं, लेके देख, एक नहीं दो हूँ मैं। आई थिंक सो इस लाइन से वो ये मैसेज बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा कश यानी कश इज अ लाइक
मेरा कश लेके देख, एक नहीं दो हूँ, दो हूँ मैं, मतलब तुझे दो दो दिखेंगे, मेरा कश इतना स्ट्रांग है। बट अगेन मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर लाइन ना इतना मैसेज क्लियर कर नहीं पाई, बट चलो ठीक है। मेरा कष्ट लेके देख, एक नहीं दो हूं मैं। आर्ट वर्क बाय हैप्पी। यार ये लिरिक वीडियो किसने बनाई है ब्रो? जिसने भी ये लिरिक वीडियो बनाई है ना भाई, बिग शाउट आउट टू यू, बिग लव टू यू, बिग रिस्पेक्ट टू यू ब्रो। मुझे बहुत पसंद आई ये लिरिक वीडियो, बहुत ज्यादा। लाइक कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही थी गलियों में, फिर वो ऊपर चले गई। आई लव द कॉन्सेप्ट, डार्क वाइब्स रखी हैं, गाना भी डार्क था और पूरी वीडियो कॉम्प्लीमेंट कर रही है गाने को। आई रियली लव इट, आई रियली एंजॉय इट। यार दिस माइट बी, बोलना सही रहेगा या नहीं रहेगा, बट दिस माइट बी द मोस्ट मोटिवेशनल सॉन्ग आई हैव एवर हर्ड फ्रॉम एमी वे। ये लाइन सही है बोलना, क्योंकि हाँ बाकी जैसे जैसे हम ईपी को एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों ने मुझे बोला कहते भाई तू एक बार चेक तो कर ईपी, तू फैन ना बन गया ना तो तब बताना ब्रो, मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, हम चेक करेंगे। सो पहला ही गाना सुना है, इतना मोटिवेशन फील हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ यार। सो दैट वाज इट गाइस, बाय बाय, पीस आउट। न्यू व्यूअर हो, पहली बार चैनल पे आए थे, सब्सक्राइब कर दो यार। पुराने व्यूअर हो, रोज रोज आते हो, बार बार आते हो, तो भाई तुम्हें पता ही है क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में जाना है, अपने रिव्यूज कमेंट करने हैं इस रिएक्शन के बारे में। सो दैट वाज इट, बाय बाय, पीस आउट। खोद के जमीन ऊपर आया, हाथ में है साइफर टू, जिन पे किया रिएक्शन आज, जूनी के ही साथ में हूँ, कितना किया एक्सप्लोर हिप हॉप, लेकिन इनको दिखते व्यू में लाया अंडरग्राउंड निंजा, लड़ी जैसे टर्टल क्रू।